नमस्कार, मायसेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर, LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में हमने पहले ऑर्डर 20 में 20 किया था, उसका फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें रूल मैंने बताया था। ऑर्डर 20 में टोटल 20 रूल है, जिसमें जो मेन रूल है वो 8 रूल तक है। ऑर्डर 20 के रूल 8 तक है, वो हमने ऑर्डर 20 के फर्स्ट पार्ट में, यानी फर्स्ट जो पीछे लास्ट हमने जो वीडियो किया था उसमें किया था। आज हम ऑर्डर 20 के आगे के रूल, यानी रूल 9 से लेके रूल 20 तक देखते हैं, जिसमें ऑर्डर 20 में रूल 6 वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन रूल वन से या रूल 6 से ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रारंभिक डिग्री प्रीलिमिनरी डिग्री कहाँ पर आती है, यानी वाद जब वाद में आगे कार्रवाई करना शेष हो तो वो उसे बोलते हैं प्रारंभिक डिग्री। यानी ऑर्डर 20 में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसमें प्रारंभिक डिग्री पहले जारी की जाती है और उस प्रारंभिक डिग्री को फॉलो करते हुए अंतिम या फाइनल डिग्री जारी की जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर 20 के रूल 9 से हम स्टार्ट करते हैं। कि रूल 9 क्या कह रहा है कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर रिकवरी करनी है तो उस रिकवरी से संबंधित, यानी इनमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से संबंधित कोई वाद है, शूट है, तो उसमें न्यायालय जब डिग्री जारी करता है तो उस डिग्री में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का नक्शा, यानी उस नक्शे का विवरण प्रस्तुत करेगा, भू सर्वेक्षण रिकॉर्ड लगाएगा, यानी उसकी जो मैप होता है वो उसमें बताएगा कि ईस्ट में तो कौन, ईस्ट में क्या है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, यानी चारों दिशाओं का वर्णन करेगा, ताकि उस डिग्री का जब एग्जीबिशन हो तो ये समझ में आ सके कि कौन सी है ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी रिकवरी की जानी है, यानी स्थावर संपत्ति की पर्योत्तरण, यानी रिकवरी से संबंधित अगर कोई डिग्री जारी कर की जाती है न्यायालय के द्वारा, तो न्यायालय उस डिग्री में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसकी रिकवरी की जानी है आसा पासा दाएं बाएं, यानी चारों दिशाओं का वर्णन करेगा कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये चारों जो उसके चारों दिशाओं का वर्णन करेगा, ताकि न्यायालय जो न्यायालय उस डिग्री का एडिक्शन करवाएगा वो समझ सके कि कौन सी प्रॉपर्टी की रिकवरी, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की जानी है। ठीक है, तो रूल 9 में क्या कह रहा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की जाने वाली अगर कोई डिग्री जारी होती है तो उस डिग्री में उस स्थावर संपत्ति, यानी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का नक्शा मैप लगा होगा, जो बंदोबस्त अभिलेख या भू सर्वेक्षण रिकॉर्ड में होता है, यानी उसकी जमाबंदी में जो मैप लगता है वो मैप बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर 20 रूल 10। ऑर्डर 20 रूल 10 ये कह रहा है कि जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की मूवेबल संपत्ति के परिधान से संबंधित अगर कोई डिग्री है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की देना है किसी को, यानी जंगम संपत्ति किसी को देनी है, जैसे ए और बी के बीच में कोई वाद था, ए के फेवर में ये डिग्री आती है, ए के फेवर में ये डिग्री आती है, ए डिग्री होल्डर है, ठीक है, ए के फेवर में ये डिग्री आती है कि बी उसको 5,000 रुपए देगा, किसको देगा, बी
ए को देगा, ए के फेवर में डिग्री आई है इसलिए ए को 5,000 रुपए बी देगा। अगर न्यायालय को लगता है जंगम संपत्ति के परिदान की डिग्री है, यानी धन के भुगतान की डिग्री है, धन देना है, मनी देनी है किसी को, तो वहां पर न्यायालय डिग्री जारी करते समय और न्यायालय को लगता है कि बी यानी जिसके व्यूर डिग्री जारी की जाती है वो उस धन का संदाय नहीं कर पाएगा यानी भुगतान नहीं कर पाएगा, वहां पर न्यायालय क्या करेगा, उस जितना धन दिया जाना है, जितना धन दिया जाना है उसका कथन करेगा, उसका परिमाण यानी उसके बराबर का मूल्य भी बताएगा। मान लो कोई जंगम संपत्ति गहने हैं, एक हार या नेकलेस के लिए ए और बी में वाद चलता है, न्यायालय ए के फेवर में डिग्री देता है कि ये नेकलेस ए को दिया जाए, बी के विरुद्ध आता है डिग्री, तो जब बी के विरुद्ध आती है तो नेकलेस यानी स्पेसिफाइड रिलीफ एक्ट के तहत नेकलेस का परिदान ए को करना है, ए के पास नेकलेस देना है, लेकिन न्यायालय को लगता है कि बी अब उस नेकलेस को दे नहीं सकता या उस हार को दे नहीं सकता, तो न्यायालय उस नेकलेस का कितना मूल्य होगा यानी उसके बराबर की कितनी कीमत कितनी होगी उसका परिमाण कर लेता है, यानी उसका वैल्यूएशन कर लेता है कि अगर ये नेकलेस नहीं दे पा रहा है तो ये ए को इतना धन भुगतान कर दे ताकि उस डिग्री की तुष्टि हो जाए, ताकि उस डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर बेस रूल 11। इसको याद करने का आसान सा तरीका है, डिग्री दो पार्ट है इसमें, डिग्री की राशि को किश्तों में यानी पार्टली देने का न्यायालय ऑर्डर दे सकता है, तो इसमें दो पार्ट है, सबसे पहले याद क्या है, किश्तों में एक एक करके भुगतान कर देगा। ठीक है, ऑर्डर भी रूल 11 कह रहा है किश्तों में भुगतान, डिग्री के जो धन के संदाय की कोई डिग्री आती है यानी ए और बी के बीच में अगर कोई वाद है और न्यायालय ये ऑर्डर कर देता है कि ए को दिया जाने वाला धन किश्तों में करके दे सकता, 5,000 की 5 किश्त करके दे सकता है, तो इसमें सबसे पहले रूल ग्यारह में दो पोर्शन है, दो पार्ट है, सबक्लोज दो है, तो फर्स्ट सबक्लोज में ये है अंतर क्या है, फर्स्ट सबक्लोज में ये बताया है कि डिग्री पारित करते समय यानी धन के भुगतान की कोई डिग्री यानी किसी को मनी देनी है और धन के भुगतान की कोई डिग्री है और डिग्री पारित करने से पहले पक्षकारों वो न्यायालय ने सुना है यानी अंतिम सुनवाई पे दोनों पक्षकारों को सुना और सुनने के बाद में न्यायालय को लगता है कि पक्ष बी के विरुद्ध मान लो डिग्री जाने वाली है, न्यायालय को पता है, तो न्यायालय को लगता है कि बी उस डिग्री की धन की संदाय की जो डिग्री है यानी जो डिग्री का मूल्य है उसको एक साथ में ए को दे नहीं सकता यानी उसकी कैपेसिटी नहीं है एक साथ में देने की, तो न्यायालय डिग्री जारी करते समय ही ये ऑर्डर दे देगा कि वो धन ब्याज सहित या ब्याज के बिना, ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित या रहित, या तो क्या है एक बार मुतोली किया जाए एडजर्न कर दो या किश्तों में संदाय करने का ऑर्डर दे सकता है न्यायालय, यानी डिग्री में ही न्यायालय ऑर्डर दे रहा है कि ये जो धन के संदाय की जो डिग्री आई है उसका भुगतान किश्तों में किया जा सकता है। मान लो बी के विरुद्ध 5,000 रुपए की डिग्री आई कि ये 5,000 रुपए ए को देने हैं, तो न्यायालय डिग्री जारी करते समय ये ऑर्डर दे देगा कि ये 5,000 की जो डिग्री है उसका भुगतान बी किस्तों में कर सकता है, 4 किश्त बना सकता है, 5 किश्त बना सकता है, यानी किस्तों में संदाय का न्यायालय ऑर्डर दे। ये तो सबक्लोज फर्स्ट, इसका सबक्लोज सेकंड आता है, न्यायालय ने क्या डिग्री जारी कर दी, अब जो निर्णय त्रिणी है
यानी जिसके विरुद्ध डिग्री आई है वो न्यायालय में जाके आवेदन करता है कि मैं डिग्री की जो रकम है उसको एक साथ एक समय में एक साथ भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, तो न्यायालय क्या करता है उसको सुनवाई का अवसर देता है और सुनवाई करने के बाद न्यायालय युक्तियुक्त समझता है, रीजनेबल समझता है, तो न्यायालय बाद में भी किस्तों में भुगतान करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। यहाँ डिग्री नहीं दे रहा न्यायालय, किस्तों में भुगतान करने का ऑर्डर दे सकता है, यानी यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो डिग्री नहीं दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि डिग्रित रकम यानी जो मूल्य देना था उसका आप किस्तों में भुगतान कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब आता है ऑर्डर 20 का रूल 12। रूल 12 से लेके 18 तक, रूल 18 तक ये जो मैं बता रही थी कि यहाँ पर प्रारंभिक डिग्री आती है। ठीक है, तो प्रारंभिक डिग्री यानी जब आगे कार्रवाई करनी शेष होती है, तो वहां पे ऑर्डर 20 के रूल 12 से लेके रूल 18 तक ऐसे वाद हैं जिनमें न्यायालय अंतिम डिग्री जारी करने, फाइनल डिग्री जारी करने से पहले प्रारंभिक डिग्री जारी करता है। तो फर्स्ट आता है कब्जा, पोजीशन और मेंस प्रॉफिट यानी मध्यवर्ती लाभों या अंतकालीन लाभों से संबंधित डिग्री है। ये मान लो स्थावर इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद है, ए और बी के बीच में ये विवाद चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी कह रहा है मेरी है। ठीक है, ए कहता है मेरी और बी कहता है मेरी है, तो न्यायालय क्या करेगा, अंतिम डिसीजन तो क्या है उनके टाइटल से रिलेटेड है ना, कि ए की है ये जमीन या बी की है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो न्यायालय सबसे पहले पोजीशन किसका है उस प्रॉपर्टी पे या उस प्रॉपर्टी में मेंस प्रॉफिट यानी मध्यवर्ती लाभ किसको कितना मिलना चाहिए वो निर्धारित करने के लिए न्यायालय पहले प्रारंभिक डिग्री जारी कर सकता है। और जब प्रारंभिक डिग्री जारी कर दी जाती है तो अंतिम डिग्री उस प्रारंभिक डिग्री को फॉलो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर 20 का रूल 13। ये प्रशासन से संबंधित वाद है, यानी अगर प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई डिग्री वाद आता है तो उस वाद में न्यायालय क्या करता है, उस वाद में न्यायालय जांच करने के लिए या किसी रिकॉर्ड को देखने के लिए, जांचों के लिए जांच करने का ऑर्डर दे सकता है। तो वहां पर न्यायालय क्या है, पहले प्रारंभिक डिग्री जारी करता है कि यहाँ पर जो प्रशासन से संबंधित वाद है उनमें जांच की जाए, या और अन्य कोई ऑर्डर भी दे सकता है न्यायालय को जो उचित लगे। तो वहां पे न्यायालय क्या करेगा, पहले प्रारंभिक डिग्री जारी करेगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 20 का रूल 14, हक शुफा या प्रियम्शन से रिलेटेड अगर कोई वाद आता है तो न्यायालय वहां प्रारंभिक डिग्री जारी करेगा पहले, यानी न्यायालय जो शुफा प्रियम्शन का जो दावा कर रहा है उससे पहले कहेगा कि जो विक्रय मूल्य यानी जितने में आप उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हो, प्रियम्शन क्या है, शुफा का अधिकार, यानी किसी और की प्रॉपर्टी किसी को बेच दी गई है तो वो शुफा का अधिकार की मांग कर रहा है, प्रियम्शन की मांग कर रहा है, तो प्रियम्शन की मांग करने वाले से न्यायालय पहले ये प्रारंभिक डिग्री जारी करेगा कि वो विक्रय मूल्य आप न्यायालय में जमा करवाओ। यानी यहाँ पर अंतिम डिग्री जारी करने से पहले न्यायालय प्रारंभिक डिग्री जारी करता है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 20 का रूल 15, भागीदारी के विघटन से संबंधित, पार्टनरशिप है उसका उसको भागीदारी का विघटन कराना है। ठीक है, भागीदारी का विघटन कराने से संबंधित अगर कोई वाद आता है तो न्यायालय सबसे पहले प्रारंभिक डिग्री जारी करता है,
विघटन कराना है, उसको भंग कराना है, उसका खंडन कराना है पार्टनरशिप का, तो न्यायालय पहले प्रारंभिक डिग्री जारी करता है कि लेखा अकाउंट्स के अकाउंट्स कौन किसको कितना देगा अकाउंट्स की जांच करने के लिए, या न्यायालय प्रारंभिक डिग्री जारी करेगा कि किस दिन भागीदारी का खंडन होगा, भागीदारी का विघटन होगा, या वो स्थान तय कर देता है कि जहां पर भागीदारी का खंडन किया जाना चाहिए, या प्रारंभिक डिग्री में ये निर्धारित कर देता है कि इस पार्टनर हर एक पार्टनर का अंश निर्धारित कर देता है, उसका पार्टीशन कर देता है प्रॉपर्टी का, अंशों का पार्टीशन कर देता है कि किस भागीदार का कितना अंश है, यानी न्यायालय भागीदारी का विघटन करने से पहले सबसे पहले प्रारंभिक डिग्री जारी करता है कि पक्षकारों का भागीदारों का कितना हिस्सा है, कौन से दिन भागीदारी का विघटन होगा, कौन से स्थान पे भागीदारी का विघटन होगा, या उनके कौन से रिकॉर्ड्स हैं, लेखा कौन से, अकाउंट्स कौन से, उनकी जांच करने के लिए प्रारंभिक डिग्री जारी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें मालिक और ऑर्डर 20 का रूल 16, मालिक और अभिकर्ता के बीच में लेखा, यानी अगर एजेंसी की संविदा है, एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में जो मालिक है और जो एजेंट है उसके बीच में अकाउंट से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है, अकाउंट से संबंधित अगर कोई विवाद है तो न्यायालय वहां पर प्रारंभिक डिग्री जारी करेगा कि अकाउंट्स की जांच की जाए और उनमें कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को कितना धन देगा, या उनके बीच में कोई धन से संबंधित कोई कांटेक्ट हुआ था धन लेने देने से, मतलब प्रारंभिक डिग्री जारी करेगा। फिर आता है रूल 17 है लेखाओं के संबंध में स्पेशल ऑर्डर भी न्यायालय दे सकता है, अगर अकाउंट से संबंधित कोई वाद आता है तो न्यायालय वहां स्पेसिफिक ऑर्डर दे सकता है। फिर आता है ऑर्डर 20 का रूल 18, विभाजन या अंशों का पृथक्करण पार्टीशन कराना है, अगर मान लो 5 भाई है या 4 भाई है, वो अपनी जॉइंट प्रॉपर्टी है और उसने पार्टीशन करवाना चाहते हैं, अपना अंश अलग करना चाहते हैं, तो न्यायालय वहां पर भी प्रारंभिक डिग्री जारी करेगा। प्रारंभिक डिग्री जारी करने से पहले अगर उस प्रॉपर्टी पर रेवेन्यू बाकी है, यानी लैंड क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है, या ऐसी कोई लैंड है जिस पर रेवेन्यू बाकी है, तो वो विभाजन या वो पार्टीशन कौन करेगा, सेक्शन सीपीसी की सेक्शन 54 में बताया गया है कि अगर प्रॉपर्टी पर रेवेन्यू बाकी है तो उसका विभाजन या उसमें पार्टीशन कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा, या कलेक्टर के द्वारा राजपत्र गैजेटेड ऑफिसर जो कलेक्टर द्वारा ऑथराइज किया हुआ हो उसके द्वारा किया जाएगा, यानी पार्टीशन कौन करेगा, या तो कलेक्टर करेगा या कलेक्टर द्वारा ऑथराइज गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। अगर पार्टीशन से संबंधित कलेक्टर या कोई अदर ऑफिसर कर रहा है जो ऑथराइज्ड है उसके द्वारा किया जा रहा है, तो न्यायालय वहां पर प्रारंभिक डिग्री जारी कर सकता है। डिग्री में ये न्यायालय जांच करेगा कि किस पक्षकार का कितना हिस्सा है, कितना अंश है, यानी जांच करने से रिलेटेड वो न्यायालय प्रारंभिक डिग्री जारी कर सकता है। उसके अलावा ऑर्डर 20 का रूल 19 रूल 19 ये कह रहा है कि अगर कोई डिक्री सेट ऑफ या काउंटर क्लेम, सेट ऑफ मुजराही का दावा या प्रतिदावा की डिग्री जारी करता है, यानी न्यायालय डिग्री जारी कर रहा है और उसमें सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का जो दावा किया गया था उसकी डिग्री जारी करता है, तो न्यायालय ये बताएगा कि किस पक्षकार को दूसरे पक्षकार को कितना धन किस प्रॉपर्टी में से देना है, यानी अगर वाद ए और बी के बीच में था
ए और बी के बीच में ये था, ए कहता है मैं 10,000 रुपए मांग रहा हूँ और बी कहता है नहीं 5,000 रुपए तो मैं भी ए में मांगता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा दावा? मुजरई का दावा, सेट ऑफ का दावा है। अगर न्यायालय सेट ऑफ की डिग्री जारी करता है तो न्यायालय उस डिग्री में ये लिखेगा कि अब बाकी कितनी बची कीमत 5,000 रुपए, कि 5,000 रुपए ए बी को, बी ए को भुगतान करेगा, यानी बची हुई राशि अगर डिक्री ए के फेवर में आ गई और बी ने सेट ऑफ का दावा किया हुआ था तो न्यायालय डिक्री जारी करते समय सेट ऑफ यानी सेट ऑफ को मंजूर कर लिया, मुजरई के दावे को मंजूर कर लिया, तो न्यायालय बताएगा कि शेष रही राशि कौन सा पक्षकार, किस पक्षकार को देगा और किस प्रॉपर्टी में से देगा और कितना हिस्सा या कितना अंश देगा। यानी न्यायालय एकदम क्लियर कर देगा कि अगर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का दावा स्वीकार किया जाता है, वाद स्वीकार किया जाता है, एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है और न्यायालय डिग्री जारी कर देता है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के आधार पर, तो न्यायालय क्लियर करेगा, स्पष्ट करेगा कि कौन सा पक्ष का शेष बची हुई राशि दूसरे पक्षकार को देगा तथा किस प्रॉपर्टी में से देगा और कितना देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर बीस का रूल बीस। ऑर्डर बीस रूल बीस ये कह रहा है कि अगर कोई पक्षकार निर्णय या डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करना चाहता है तो वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो हाईकोर्ट द्वारा विहित फीस तय की गई यानी उसके एवज में जो गवर्नमेंट फीस है वो फीस भुगतान करनी होगी, यानी फीस भुगतान करके कोई भी पक्षकार निर्णय या डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकता है। तो ये था ऑर्डर 20 जो निर्णय और डिग्री से रिलेटेड था। आगे हम सिविल प्रक्रिया संहिता में ऑर्डर 22 करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स पहले करेंगे एग्जाम की दृष्टि से, यानी जो फाइनल ईयर के एग्जाम आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग पहले हम इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स करेंगे, उसके बाद में बचे हुए ऑर्डर्स करेंगे। थैंक यू सो मच।